नमस्कार दोस्तों, कई बार ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं जिसका जवाब देना काफी दिक्कत हो जाता है। मैं भी समझ नहीं पाता कि इसका एक्चुअल में आंसर क्या करूं। अब सवाल यह है एक्सिस को लेकर। कई लोगों का सवाल ये होता है कि सर, जो मेरे चश्मे का नंबर है उसमें सिलेंड्रिकल पावर है और उसमें एक्सिस है। मेरा जो एक्सिस है वो 180 है और किसी ने कहा कि मेरा 170 है, तो कौन सा अच्छा है? तो भाई ये बड़ा अजीब सा सवाल है। तो आज इस कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे ताकि अगर आपके चश्मे में कोई भी एक्सिस होगा तो आपको इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो ठीक है, मान लीजिए कि आपका चश्मे का पावर, ये मान लीजिए आपका चश्मा है, ठीक है, ऐसी बना रहा हूँ मैं, ज़्यादा अच्छा नहीं बना पाता। ये आपका चश्मा हो गया। अब मान लीजिए कि आपका जो पावर है -1 सिलेंड्रिकल एक्सिस हो गया 180, या जो भी हो 170 हो, 60 हो, 50 हो, जो भी हो, ठीक है, ये आपका राइट आई का हो गया। और यहाँ पर हम ले लेते हैं मान लीजिए कि 1.5 सिलेंड्रिकल, और यहाँ पर आपका 90 एक्सिस है, ठीक है। इस टाइप के एक्सिस आपके दोनों चश्मे में मिल रहे हैं, राइट और लेफ्ट दोनों में अलग अलग आ रहे हैं। अब कई लोगों को सवाल ये होता है कि सर, ये जो हमने आपको बताया कि ये 10 से लेकर पूरा 180 तक के आपको एक्सिस मिलते हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारे 10, 20, 30, 40 इस टाइप के 180 तक के एक्सिस आते हैं। अब सवाल वही होता है कि मेरा एक्सिस जो है ज़्यादा है तो ये प्रॉब्लम हो सकती है क्या? तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक्सिस कम या ज़्यादा होने से कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ आपको क्लियर विजन देने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल में आपको बताता हूँ कि मान लीजिए कि ये ग्लास है, ठीक है, अब ये ग्लास को हमने आधा पानी से भर दिया। अब मैं आपसे पूछूंगा कि ये ग्लास के बारे में बताइए, पानी कितना है? तो कई लोगों का जवाब होगा कि सर, इसमें आधा ग्लास पानी है, और कई लोग बोलेंगे कि ग्लास जो है आधा खाली है। तो नजरिया देखिए, लोगों का अलग अलग होता है, ठीक है, लेकिन मेजर चीज क्या है कि इसमें वाकई पानी जो है कम है, आधे ग्लास पानी है। अब वो बोलने का अलग अलग तरीका होता है। बस वैसे ही आप मान लीजिए कि ये जो 180 हो, चाहे वो 10 हो, 20 हो, 30 हो, 50 हो, 60 हो, जो भी एक्सिस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये एक्सिस इसीलिए यूज करते हैं ताकि आपको साफ दिखाया जा सके। चश्मा क्यों लगाते हैं हम? चश्मा इसलिए लगाते हैं कि हमको जो चीजें साफ नहीं दिख रही है उसको हम क्लियर देख सकें। कई लोग चश्मे को इलाज समझ लेते हैं, जैसे कि आप, अगर आपका पावर जो जो भी है और चश्मे आपने लगा लिया और फिर उसके बाद चश्मा नहीं लगाना पड़ेगा, आपकी आंखें एकदम ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं है। चश्मा आपको लगाना पड़ता है, कंटिन्यू लगाना पड़ता है, ताकि वो जो चीजें जो आपको पहले नहीं दिख रही थी उसको चश्मा लगाने के बाद आपको साफ दिखने लगती है। तो ये एक सॉल्यूशन है। तो वैसे ही ये जो एक्सिस है एक सॉल्यूशन है आपको अच्छा विजन देने के लिए। तो फ्रेंड, उम्मीद करता हूं कि अब एक्सिस को लेकर आपके मन में कोई दुविधा नहीं आनी चाहिए, क्योंकि एक्सिस बड़ा या छोटा ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वेल फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।